और सड़क का हालत बहुत ही जर्जर है, सामने बरसात है। पंडरिया नगर पंचायत के गांधी चौक से बाजार मार्ग तक सीसी रोड का निर्माण कार्य ठेकेदार के द्वारा किया गया। वहीं एक तरफ रोड के निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया है। पिछले 10 माह से नगर के सभी विकास कार्य इंजीनियर के न होने के कारण भारी अनियमितताओं से जूझ रहा है। क्या है कि ये डामरीकरण होगा, दोनों साइड नाली बनेगा करके, लेकिन आज पर्यंत तक ये सामने बगल में दुर्गा भवन है, इसके पहले रोड बन रहा था। मैं यहाँ पे इन ठेकेदार को बोला भी कि यहाँ पे जो है मेन रास्ता है, इसको जल्दी करवा देना करके, लेकिन आज पर्यंत 9 महीना हो गया, ठेकेदार के द्वारा काम नहीं किया गया। ठेकेदार से मैं संपर्क किया हूँ तो वो बोला कि मेरा बिल मिल नहीं रहा है, मैं 1 महीने में बनाने के लिए तैयार हूँ। पंडरिया के आम जन को इससे बहुत ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पंडरिया का सघन आबादी गांधी चौक से लेकर के कुशाल बंद समरूपारा के बीच में है और सड़क का हालत बहुत ही जर्जर है, सामने बरसात है, आए दिन एक्सीडेंट घटना दुर्घटना को देखते हुए शासन प्रशासन का हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि अविलंब इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित ठेकेदार से काम को पूर्ण कराया जाए और अब तक जो काम ठेकेदार के द्वारा किया गया है ये भी गुणवत्ता है। 9 माह से बंद है, किन कारणों से बंद किया गया है? मान लो उसमें नाली का और पुलिया का काम हो चुका है जी, बचा है उसमें सीसी रोड और बीटी रोड का, उसकी निगाह में नियमित रूप से इंजीनियर पदस्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 इंजीनियर यहाँ पे पदस्थ है। वर्तमान में क्योंकि इसके पहले जो इंजीनियर पदस्थ थे व्यवस्था जिनके कार्यकाल में जितने भी काम हुए हैं बहुत अच्छे काम जाने के बाद ही नियमित रूप से यहाँ पे पदस्थ है, नियमित रूप से वॉच करते थे काम को लेकर। और सड़क का हालत बहुत ही जर्जर है, सामने बरसात है। For more information, log on to www.clips.in.